वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो देखा जाए आरसीबी फैंस का बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बना हुआ है फिलहाल, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि नेक्स्ट सीजन आप लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर सारी की सारी टीमें देखा जाए 3 से या फिर 4 प्लेयर को अपनी टीम में रिटेन करेंगी। वहाँ पर आरसीबी टीम क्या ग्लेन मैक्सवेल को रिटेन करेगी या फिर नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आरसीबी टीम अभी देखा जाए उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में मौका भी नहीं दे रही, और देखा जाए वो ज्यादातर बेंच पे ही बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आरसीबी टीम ने कहीं ना कहीं उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है, विल जैक्स को या फिर कहो कैमरन ग्रीन को, क्योंकि देखा जाए विल जैक्स हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, ये दोनों के दोनों प्लेयर देखा जाए रेगुलर आरसीबी की प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। वहीं पर देखा जाए ग्लेन मैक्सवेल की इस आईपीएल में बिल्कुल फॉर्म भी निकल के नहीं आई थी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आरसीबी देखा जाए इतना बड़ा देखा जाए जोखिम उठा सकती है कि ग्लेन मैक्सवेल को नेक्स्ट सीजन रिटेन करेगी। वहीं पर देखा जाए ग्लेन मैक्सवेल की एज भी हो रही है जहां पर 35 या फिर 34 के ऑलरेडी हो चुके हैं, पर आपको नेक्स्ट साल देखा जाए 3 साल की टीम बनानी पड़ती है, फिर उसके लिए देखा जाए 3 साल क्या फुल्ली फिट रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आरसीबी टीम को कहीं ना कहीं देखा जाए फ्यूचर की टीम बनानी पड़ेगी। मैं अपनी कई पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ कि आरसीबी टीम को फ्यूचर पर सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी टीम के जो भी प्लेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजिंग यूनिट है इनकी टीम की, चाहे फाफ डु प्लेसी, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा एजिंग यूनिट देखने को मिलती है और आपके सबसे बड़े प्लेयर भी यही हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीबी टीम को फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, विल जैक्स हो गए, महिपाल डोमरोर हो गए, इन पे देखा जाए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्या आरसीबी टीम इतना बड़ा जोखिम उठाएगी कि ग्लेन मैक्सवेल को मेगा ऑक्शन में डालेंगे? देखिए अगर मेगा ऑक्शन में जाएंगे तो आरसीबी टीम उनके पीछे बिड तो करेगी, ये तो जाहिर सी बात है कि ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में रिवाइव करने के बारे में सोचेगी, लेकिन क्या ग्लेन मैक्सवेल फिर आपको मिल पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर आपको देखा जाए किसी ना किसी देखा जाए आपको कैप्टन भी ढूंढना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि आप फाफ डु प्लेसी को भी रिलीज करोगे। अगर आप सोच सकते हो कि आरसीबी टीम अपने कैप्टन को लेकर श्योर नहीं है कि नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में उन्हें रिटेन करना है या फिर नहीं करना है, तो ग्लेन मैक्सवेल की आप क्या ही बात सोच रहे हो। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ग्लेन मैक्सवेल रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए बहुत बड़ी टीमों ने देखा जाए बहुत बड़े बड़े प्लेयर को भी रिलीज किया है। सीएसके ने देखा जाए सुरेश रैना को भी रिलीज कर दिया था कहीं ना कहीं, तो आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी फ्रेंचाइजी किसी भी प्लेयर को रिलीज कर सकती है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करना बहुत बड़ा जोखिम का काम रहेगा। क्योंकि फिर देखना यही होगा कि अगर आरसीबी टीम रिलीज करेगी तो मुझे जहां तक ये चांसेस है कि इन्हें सीएसके टीम रहेगी जो कि ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि सीएसके को एक ऑफ स्पिनर की जरूरत भी है, उनके पास ऑफ स्पिनर भी नहीं है, और देखा जाए ग्लेन मैक्सवेल स्पिन अच्छी खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है चेपॉक की कंडीशन में ग्लेन मैक्सवेल वैसे भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से सीएसके वो टीम रहेगी जो मेगा ऑक्शन में ग्लेन मैक्सवेल के पीछे जा सकती है, या फिर राजस्थान रॉयल्स भी रहेगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी जब देखा जाए मिनी ऑक्शन में आरसीबी टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा था। तो ये कुछ मेरे हिसाब से चांसेस हैं। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर वो रिटेन होंगे तो फिर कौन से प्लेयर को बाहर करेगी आरसीबी टीम, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैंने बता दी।